एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इस बार चुनाव में कांग्रेस का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के मैनेजमेंट गुरु कांग्रेसियों से कह रहे हैं कि सबसे बोलते रहो, कांग्रेस की सरकार आ रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेसियों को सारी कमियां राष्ट्रवादी संगठनों में ही नजर आती हैं। कांग्रेसियों को उनके मैनेजमेंट गुरु ने कहा है, बोलते रहो सरकार आ रही है, काम हो जाएगा, लेकिन देखना इनका काम तमाम हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से उनको ये सारी कमियां राष्ट्रवादी संगठनों में ही नजर आती हैं। आज तक आपने PFI के बारे में बोलते सुना उनको, सिमी के बारे में बोलते सुना उन्हें, दिल्ली में चाकुओं से गोंद दिया बच्ची को, हमारी को, SC की, लेकिन एक शब्द बोला दिग्विजय सिंह ने? नहीं बोला, लेकिन इस पे जरूर बोलते हैं, उस पे नहीं बोला दिल्ली पे कभी भी उन्होंने। कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश में कुछ भी करना चाहे, वो उनको जो उनके चुनाव मैनेजमेंट गुरु ने कह दिया है कि तुम तो ये बोलते रहो सरकार आ रही है, तो बाकी काम हो जाएगा, तो इनका काम तमाम ही हो जाएगा। मिश्रा ने कहा, भ्रष्टाचार में अकंठ लिप्त केजरीवाल के घड़ियाली आंसुओं को सब पहचान गए हैं। प्रियंका गांधी को कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक में पहले किए गए वादों को नहीं निभाने के लिए जनता से माफी मांगना चाहिए, फिर मध्य प्रदेश आए, स्वागत है उनका। क्रोकोडाइल टीयर भी कहलाते हैं ये, देश अब समझ गया है केजरीवाल जी को, उनका ये ढोंग और प्रायोजित कार्यक्रम अब लगभग समाप्ति की ओर ही है। भ्रष्टाचार के आकंठ में लिप्त हैं वो। पहले तो बंगलोर से लेके मध्य प्रदेश तक की माफी मांगनी चाहिए, अपने भाई से कहना चाहिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी बंगलोर में बिजली के बिल कम करके 3 रुपया बढ़ा दिया, ये धोखा है जनता के साथ। मध्य प्रदेश में आए, 4 लाख 10 दिन में माफ कर, 2 लाख 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ये धोखा है किसान के साथ। नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को भी नहीं दिया, ये धोखा है नौजवान के साथ, इसकी माफी मांगे, फिर बाड्डा जी आए, स्वागत है। मिश्रा ने कहा, प्रधानमंत्री जी का किसानों के हित में समर्थन मूल्य को डबल करने वाली सार्थक और सफल पहल के लिए किसान भाइयों की ओर से पूरा देश आभारी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और ये आप कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा किया है, एक क्रांतिकारी कदम जो उठाया है, फसल के दाम जो दुगने किए हैं, ये फसल के दाम का आप देखेंगे तो सोयाबीन जो कांग्रेस सरकार में अंतिम समय में 2560 क्विंटल था, वो अब बढ़कर 4600 रुपये कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री। कपास जो 4050 था वो 7020 हो गया है रुपया। मूंग जो 4600 प्रति क्विंटल थी वो 8558 रुपए कर दी गई है। दुगने वाली बात मैं आपके ध्यान में कर रहा हूँ, ये लोग अवगत होना चाहेंगे जो कहते हैं, जो कहा सो किया वाली भारतीय जनता पार्टी है। सूरजमुखी का बीज जो 3700 था वो 6760 हो गया है। बाजरा जो 1250 था वो 2500 हो गया है। मक्का 1310 था वो 2090 हो गया है। रागी 1550 थी वो 3846 हो गई है। तुअर की दाल 4350 से 7000 हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार कि उन्होंने किसानों की आय को दुगना करने की ओर सार्थक और सफल कदम बढ़ाया, पूरा देश उनका आभार व्यक्त करता है किसान भाइयों की ओर। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।